हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है केबल्स। केबल्स के इससे एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं, कभी कभार और कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। ये आपका यूटिलाइजेशन का पोर्शन है और आप पावर सिस्टम का भी कह सकते हो और ट्रांसमिशन का भी एक पार्ट कह सकते हो इसे। तो मैं बेसिकली ये ट्रांसमिशन से ही है और इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आपके। तो मैंने 60 क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मैं इस वीडियो को अपने पिछले वीडियो की तरह ही, जो मैं रेक्टिफायर एंड कन्वर्टर का जो वीडियो लाया था उसे दो पार्ट में डिवाइड किया था मैंने, इसे भी मैं क्या करूँगा, दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। देखिए पहला क्वेश्चन है, द इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर अ केबल शुड हैव, जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसमें कौन कौन सी क्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, पहला क्या है, लो कॉस्ट, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों आज आप जानते हैं जो इंसुलेशन मटेरियल होता है उसके लिए ये सारी क्वालिटी क्या होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स अ केबल अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी। इनमें से मतलब कौन है जो मैकेनिकल केबल को मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, वेल्डिंग, सीथ, आर्मरिंग या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों आप जानते हैं जो मैकेनिकल इंजरी से बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आर्मरिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेशन इज यूज इन केबल, इनमें से हम केबल के लिए कौन से इंसुलेशन यूज करते हैं, वार्निश, कैम्ब्रिक, रबर, पेपर, एनी ऑफ द अबव। तो दोस्तों हम कोई भी इनमें से यूज कर सकते हैं, किसके लिए, एज अ इंसुलेशन पर्पज। अगला क्वेश्चन देखिए, एम्पायर टेप होता है वो क्या होता है दोस्तों, हम बताना है, वार्निश, कैम्ब्रिक, वर्कनाइज्ड रबर, इम्प्रीगेटेड पेपर या नन ऑफ द अबव। जो एम्पायर टेप होता है कैसा होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, वार्निश, कैम्ब्रिक। ओके दोस्त, आगे बढ़ते हैं, द थिकनेस ऑफ द लेयर ऑफ इंसुलेशन ऑन द कंडक्टर इन केबल्स डिपेंड्स अपॉन। इंसुलेशन की जो थिकनेस होती है वो किस पे डिपेंड करती है, रिएक्टिव पावर पे, पावर फैक्टर पे, वोल्टेज पे, करंट कैरिंग कैपेसिटी पे। दोस्तों आप सब जानते हैं इंसुलेशन का जो थिकनेस होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वोल्टेज पर। क्वेश्चन नंबर 6, द वेडिंग ऑन अ केबल कंसिस्ट ऑफ हेसियन क्लॉथ, जूट, एनी ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। दोस्तों कोई भी हम यूज कर सकते हैं एनी ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर सी। The insulating material for cable should be, वी एसिड प्रूफ, वी नॉन इन्फ्लेमेबल, वी नॉन हाइग्रोस्कोपिक या और हैव ऑल द प्रॉपर्टीज। दोस्तों आप जानते हैं इस इंसुलेटिंग मटेरियल में सारी प्रॉपर्टीज क्या है, नीडेड हैं, आवश्यक हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, इन अ केबल इमीडिएटली अबव मेटेलिक सीथ इज प्रोवाइडेड, अर्थिंग कनेक्शन, वेडिंग, आर्मरिंग या नन ऑफ द अबव। जो तुरंत मेटेलिक सीथ के बाद क्या आता है दोस्तों, क्या होगा आपके हिसाब से इसका आंसर, मेटेलिक सीथ के जस्ट बाद ही क्या आता है, वेडिंग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, द करेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ केबल इन डीसी इज मोर देन दैट इन एसी, मेनली ड्यू टू अब्सेंस ऑफ हार्मोनिक्स, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेबिलिटी लिमिट, स्मॉलर डायलैक्ट्रिक लॉस, अब्सेंस ऑफ रिपल्स या नॉन ऑफ द अबव। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, स्मॉलर डायलैक्ट्रिक लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ थ्री कोर फ्लेक्सीबल केबल द कलर ऑफ न्यूट्रल इज, जो थ्री कोर फ्लेक्सिबल केबल होती है उसमें हमें न्यूट्रल का कलर बताना है, क्या ब्लू होगा, ब्लैक होगा, ब्राउन होगा या
नन ऑफ द अबव होगा। तो दोस्तों इसका आंसर कैसा होगा? यदि थ्री कोर फ्लेक्सिबल केबल है तो इसका न्यूट्रल का जो वायर होगा उसका कलर क्या होगा? ब्लू होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, केबल्स आर यूज्ड फॉर 132 केबी लाइंस। केबल्स आर यूज्ड फॉर 132 या 132 केबी लाइंस। हाई टेंशन, सुपर टेंशन, एक्स्ट्रा हाई टेंशन या एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज। तो उसको ये जब भी हम ये केबल यदि 132 केबी के लिए यूज करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज। अगला क्वेश्चन देखिए, कंड्यूट पाइप आर नॉर्मली यूज टू प्रोटेक्ट। कंड्यूट पाइप आर नॉर्मली यूज टू प्रोटेक्ट दस केबल। अनशीथित केबल, आर्मरिंग के आर्मर्ड केबल या पीवीसी शीथित केबल या ऑल ऑफ दी अबव। दोस्तों जो कंड्यूट पाइप किसके लिए होते हैं? जो अनशीथित केबल होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द मिनिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस स्ट्रेस इन अ केबल इज एट। आर्मर, वेडिंग, कंडक्टर सरफेस या लेड शीथ। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता है, जो मिनिमम पूछा गया है इसमें, ठीक है दोस्तों? ये होगा आपका लेड शीथ पर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस है सबसे कम कहाँ पर होगा? लेड शीथ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, इन सिंगल कोर केबल आर्मरिंग इज नॉट डन टू अवॉइड एक्सेसिव शीथ लॉस, मेक इट फ्लेक्सिबल या आइदर ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। दोस्तों क्या होता है? अवॉइड एक्सेसिव शीथ लॉस। क्वेश्चन नंबर 15, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ रबर इज अराउंड 5 kV/mm या 15 kV/mm या फिर 30 kV/mm या 200 kV/mm। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? 30 kV/mm। अगला क्वेश्चन देखिए, लो टेंशन केबल्स आर जनरली यूज अप टू 200 वोल्ट, 500 वोल्ट, 700 वोल्ट या 1000 वोल्ट। तो दोस्तों आंसर क्या है? लो टेंशन केबल जो होती हैं कब कहाँ से यूज की जाती हैं? 1000 वोल्ट या 1000 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ केबल द मैक्सिमम स्ट्रेस अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन इज एट इंसुलेशन लेयर, शीथ, आर्मर या कंडक्टर सरफेस। दोस्तों इसका आंसर क्या है? कंडक्टर सरफेस। हाई टेंशन केबल आर जनरली यूज्ड अप टू 11 kV, 33 kV, 66 kV या 132 kV। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? 11 kV। अगला क्वेश्चन देखिए, द सर्ज रेजिस्टेंस ऑफ केबल इज 5 ओम, 20 ओम, 50 ओम या 100 ओम। दोस्तों आप जानते हैं जो केबल का सर्ज रेजिस्टेंस कितना होता है? 50 ओम्स। पीवीसी के स्टैंड फॉर सबको जानता है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसे दोस्तों आप अटेंड करिए, मैं नहीं बताऊंगा इसका। इन दी केबल द लोकेशन ऑफ फॉल्ट इज यूजली फाउंड आउट बाई कंपेयरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, द इंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर, द कैपेसिटेंस ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर या ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, द कैपेसिटेंस ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, इन कैपेसिटेंस ग्रेडिंग ऑफ केबल वी यूज अ टेस्ट डाइलेक्ट्रिक, कंपोजिट, पोरस, होमोजेनियस या हाइग्रोस्कोपिक। तो दोस्तों जैसा इसका आंसर क्या होगा? कंपोजिट डाइलेक्ट्रिक। अगला क्वेश्चन, प्रेशर केबल आर जनरली नॉट यूज्ड बियॉन्ड 11 kV, 33 kV, 66 kV या 132 kV।
तो उसके आंसर क्या है, कंप्रेसर केबल हम इसके आगे नहीं यूज करते, 11 kV, बियॉन्ड 11 kV। आगे है देखिए 24 क्वेश्चन। दी मटेरियल फॉर आर्मरिंग, दी मटेरियल फॉर आर्मरिंग ऑन केबल इज यूजली, दी मटेरियल फॉर आर्मरिंग ऑन केबल इज यूजली स्टील टेप, गैल्वनाइज स्टील वायर, एनी ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों आप जानते हैं आर्मरिंग के लिए हम स्टील टेप का भी यूज कर सकते हैं, गैल्वनाइज स्टील वायर का भी। ऑप्शन नंबर सी, एन ऑफ द अबव। 25, केबल जनरली यूज बियॉन्ड 66 kV आर वाइल फील्ड SL टाइप या बेल्टेड या फिर आर्मर। तो दोस्तों क्या होगा, वाई फील्ड, ऑयल फील्ड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ रबर इज, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ रबर इज बिटवीन 2 एंड 3, बिटवीन 5 एंड 6, बिटवीन 8 एंड 10, एंड बिटवीन 12 एंड 14। दोस्तों परमिटिविटी क्या होती है रिलेटिव परमिटिविटी रबर की, 2 एंड 3 के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉलिड सॉलिड टाइप केबल आर कंसिडर्ड अनरिलायबल बियॉन्ड 66 kV बिकॉज इंसुलेशन में मेल्ट ड्यू टू हायर टेम्परेचर, स्किन इफेक्ट डोमिनेट ऑन द कंडक्टर ऑफ कोरोना लेस बिटवीन कंडक्टर एंड सीथ मटेरियल, या देयर इज अ डेंजर ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेशन ड्यू टू द प्रेशर ऑफ वाइड्स। तो उसके आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द लेंथ ऑफ अ केबल इज डबल इट्स कैपेसिटेंस, यदि हम केबल की लंबाई क्या है डबल कर दें, कैपेसिटेंस क्या हो, बिकम 1/4, बिकम 1/2, बिकम्स डबल, या रिमेंस अनचेंज। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, इन केबल्स द चार्जिंग करेंट लैग्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, लैग्स द वोल्टेज बाय 180 डिग्री, और लीड्स द वोल्टेज बाय 180 डिग्री। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, लेट्स लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। देखिए 30 एंड लास्ट क्वेश्चन आज इस पार्ट का, इसके बाद जो लास्ट 31 to 60 क्वेश्चन है वो मैं सेकंड पार्ट में कवर करूंगा, क्योंकि इस पार्ट में कवर कर तो कर दे दूंगा, लेकिन क्या है वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा और आप लोग पता नहीं क्या है आलसी हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, पूरा वीडियो देखें तभी आपको कोई लाभ मिलेगा। ओके दोस्त, ऐसे आधा अधूरा वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, देखें देखें तो पूरा देखें वरना मत देखें, क्या फ़ायदा ऐसे, कोई उससे लाभ प्रॉफिट होगा नहीं आपको, कोई मतलब नहीं है, है ना। पूरा वीडियो देखिए तो उससे प्रॉफिट भी होगा, ज़रूर नहीं, आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्त, तो लास्ट क्वेश्चन और कवर कर लेते हैं, अ सर्टेन केबल हैज एन इंसुलेशन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 4, इफ द इंसुलेशन इज रिप्लेस्ड बाय 1 of relative permittivity 2, द कैपेसिटेंस ऑफ द केबल विल बिकम्स 1/2, डबल, 4 times, या नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, अटेंड करोगे आप लोग, चलो बता देता हूँ कैसा हो जाएगा, 1/2। ओके, यदि पहले 1 होगा तो क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। दोस्तों दिस इज मी, नाम तो पता ही होगा आपको, सुरेंद्र कुमार राजपूत, और वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से, यदि आपको अच्छा लगे तो, आपको लगे हाँ यूजफुल है, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप सब्सक्राइब करवाओ ही करवाओ, यदि आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर करवा सकते हैं, इससे उन्हें उन्हें हेल्प होगी उनके एग्ज़ाम में। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं सेकेंड पार्ट में, बाय।